सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम शतक का, ये रुख करते हैं 100 बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नारी शक्ति को मजबूत करने में 130 करोड़ भारतीयों की जीत, बालिका शिशु मृत्यु दर में आई कमी। पीएफआई के सदस्यों को शादी की इजाजत नहीं, चार चरण में होती है भर्ती, इलाज से लेकर कानूनी मदद दी जाती है। अमित शाह बोले, अब पाकिस्तान में बातचीत नहीं, बारामूला में भाषण से पहले बुलेट प्रूफ ग्लास हटवाया। अरुणाचल प्रदेश में आर्मी का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, अस्पताल ले जाते वक्त एक पायलट की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी से घबराई, आदमपुर उपचुनाव से पहले संगठन नहीं बनाएंगे, 8 साल से अध्यक्ष भरोसे चल रही पार्टी। ओवैसी ने आरएसएस प्रमुख के बयान का किया पलटवार, कहा जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं। भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का ऐलान, केसीआर ने बनाई राष्ट्रीय पार्टी, टीआरएस अब भारत राष्ट्र समिति। आदमपुर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को झटका, भाजपा में शामिल हुए हरियाणा के पूर्व एमएलए अनिल धतौड़ी। कुल्लू दशहरा में प्रोटोकॉल तोड़ना, भगवान रघुनाथ के रथ पर पहुंचे पीएम मोदी, इंटरनेशनल दशहरा उत्सव में 47 मिनट रुके। राजस्थान में मूर्ति विसर्जन के दौरान चाचा भतीजा सहित 6 की मौत, एक युवक का पैर फिसला, उसे बचाने एक कर 5 और पानी में उतरे। कर्नाटक के मंडिया पहुंची सोनिया गांधी, राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। बंगाल में दुर्गा विसर्जन के दौरान 8 लोगों की मौत, जलपाईगुड़ी की मल नदी का जलस्तर बढ़ने से हादसा हुआ, 20-25 लोग लापता। केरल के पलक्कड़ जिले में सड़क हादसा, बस दुर्घटना में 9 की मौत और 38 घायल। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर मोहन भागवत से किए कई सवाल, पूछा क्या संघ किसी महिला को सरसंचालक नियुक्त करेगा। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर जमकर साधा निशाना, कहा कटप्पा का भी ईमान था, आप तो दोगली राजनीति करते हैं। शस्त्र पूजन के दौरान फायरिंग वीडियो वायरल, बरेली के हरि मंदिर में दशहरा पूजा के दौरान कई राउंड गोली चली। मैनपुरी में बीए की छात्रा का शव बेड पर मिला, बहन बोली गांव के युवक ने दीदी को रेप के बाद मार डाला, मैंने उसे घर से भागते देखा। तेलियरगंज इलाके में डेंगू का प्रकोप ज्यादा, प्रयागराज के शहरी इलाकों में मिल चुके हैं डेंगू के 201 मरीज। अमरोहा में धू-धू कर जला अहंकारी रावण, डीएमएसपी ने छोड़ा तीर, कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति।
आगरा में दो मिनट में धराशाही हो गया रावण का पुतला, दहन से पहले हुआ आतिशबाजी का मुकाबला। रायबरेली में बारिश के चलते स्कूल बंद, 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में डीएम ने कराई छुट्टी, बीएसए जारी किए आदेश। महोबा में युवती को बंधक बनाकर 3 युवकों ने किया गैंगरेप, सुनसान इलाके में बेहोश पड़ी मिली, गांव के ही हैं आरोपी। अंबेडकर नगर में युवक की हत्या कर खेत में फेंका शव, सिर पर धारदार हथियार से किया हमला। जौनपुर में शक्तिकुंड में भव्य तरीके से संपन्न हुआ मूर्ति विसर्जन, क्रेन से विसर्जित की गई बड़ी प्रतिमाएं। मुजफ्फरनगर में कोरियर के बहाने बुलाकर मारपीट, चरथावल में बोलेरो सवार बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। फरुखाबाद में डग्गामार वाहनों के खिलाफ चला अभियान, 2 दिन में काटे गए 417 चालान, 3,22,000 लगाया गया जुर्माना। सहारनपुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत, बस से टकराकर कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, 1 घायल। बिजनौर में मामूली विवाद में युवक को मारी गोली, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर, पुलिस कर रही मामले की जांच। मुलायम सिंह के स्वस्थ होने के लिए हवन, प्रयागराज के हनुमान मंदिर में सपाइयों ने की दीर्घायु की कामना। हापुड़ में 2 अलग अलग युवतियों से रेप, पड़ोसी ने घर में घुसकर घटना को दिया अंजाम, 1 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में स्कूल के भवन में चल रही पंचायत भवन, बच्चों के पठन पाठन में होती है दिक्कत, जिम्मेदार मौन। पीलीभीत में दलित किशोरी के साथ दुष्कर्म, गन्ने के खेत में खींच कर ले गया आरोपी, विरोध करने पर पीटा। हापुड़ में गोलीकांड का खुलासा, भाई की हत्या का बदला लेने के लिए बहन ने रचा षड्यंत्र, सैर करने गए 3 पर करवाया फायर। सहारनपुर में बदमाशों ने युवक को मारी गोली, घायल मौसी के घर से वापस लौट रहा था युवक। बरेली में रावण दहन के दौरान सिपाही घायल, सिपाही पर गिरी जलती हुई बल्ली, सिपाही का अस्पताल में चल रहा इलाज। चोरी और लूट करने वालों पर लगी गैंगस्टर, अलीगढ़ में गांधी पार्क में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। बिजनौर में रावण दहन के दौरान पुलिस ने भांजी लाठी, रामलीला मैदान में भीड़ हुई बेकाबू, पुलिस ने चलाई लाठी। कौशाम्बी में राम और रावण का हुआ युद्ध, कुप्पी देखकर एक दूसरे पर किया वार, यहां दशहरा को नहीं एकादशी को जलता है रावण। उन्नाव में सिपाही की मौत, दशहरा पर हसनगंज से ड्यूटी कर लौट रहे थे घर, बेटी लेकर गई थी जिला अस्पताल। प्रयागराज में विसर्जन के दौरान हादसा, 2 की मौत, वरुणा और गुरामा नदी में प्रतिमा विसर्जन के लिए गए थे युवक।
बुलंदशहर में मिट्टी की ढांग गिरने से टला बड़ा हादसा। मकानों के कुछ हिस्से मिट्टी के ढांग के साथ नीचे गिरे, हुआ भारी नुकसान। फिरोजाबाद में मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूबते हुए युवक के पुलिस ने बचाई जान। लखनऊ में उधारी के चलते युवक ने की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। श्रावस्ती में भारी बारिश से बाढ़ का कहर, नेपाल सहित पहाड़ों पर हुई बारिश से खतरे के निशान के ऊपर राप्ती नदी। अलीगढ़ में सीएनजी के पैसे मांगने पर कार सवार बदमाशों ने सेल्समैन के साथ की मारपीट, वारदात को दिया अंजाम। उत्तराखंड के बागेश्वर में कार खाई में गिरी, 3 युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर। उत्तराखंड में चोटी पर हुए हिमस्खलन में रेस्क्यू टीम ने 5 शव किए बरामद, 22 शिवु पर्वारोही अभी भी लापता। एवलॉन्च में जिंदा बचे पर्वतारोहियों ने बताया वो मंजर, कहा चोटी में महज 100 मीटर दूर थी दल। उत्तराखंड में सूबेदार अनिल का दूसरी बार हुआ उत्तर काशी में हिमस्खलन से सामना, कहा मिला नया जीवन। उत्तराखंड में भाजयुमो प्रदेश मंत्री विपिन पांडे से मांगी रंगदारी, हल्द्वानी कोतवाली में मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में बुराई पर अच्छाई की जीत, धू धू कर जलाएंकारी रावण, लगे जय श्री राम के नारे। कर्नल अजय कोठियाल ने बताया एवलॉन्च का बकाया, कहा 10 फीट बर्फ में हम सुरक्षित निकल आए थे बाहर। उत्तराखंड में महिलाओं ने भक्तिभाव के साथ सिंदूर खेल, मां दुर्गा को दी विदाई, अगले वर्ष फिर आने की कामना की। उत्तराखंड सूचना मंत्रालय ने निवृत्ति यादव को किया सम्मानित, पहले सीडीएस के पैतृक गांव का लिया गोद। उत्तराखंड के पौड़ी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 30, इस बस में सवार थे करीब 45 लोग। उत्तराखंड में हिमस्खलन ने तोड़ दी पर्वतारोही बहनों की जोड़ी, नौमी रावत की एवलॉन्च में हुई मौत। उत्तराखंड में सल्ला चिंगरी में दर की चट्टान, दर्जनों वाहन फंसे, सस्ता रास्ता बंद होने से कई गांव प्रभावित। उत्तराखंड में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, पर्वतारोहण ट्रैकिंग पर पाबंदी। उत्तराखंड में भाजपा ने ममता राकेश को दिया झटका, पार्टी ने पूर्व विधायक करणवाल की बेटी को दिया टिकट। उत्तराखंड में लंकापति का अहंकार हुआ चूर, धू धू कर जला रावण, इस दौरान जमकर हुई आतिशबाजी। अगले साल जून में किंग्स चार्ल्स तृतीय का होगा राज्याभिषेक, ब्रिटेन की गद्दी संभालने वाले सबसे उम्रदराज शासक।
किम जोंग उन को लेकर दो मतों में बटा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। रूस चीन ने घेरा तो अमेरिका ने दी चेतावनी। अमेरिका में अपहरण किए गए सिख परिवार के चारों सदस्य मृत पाए गए। 8 महीने की बच्ची की भी मौत। ईरान में भूकंप, 500 से ज्यादा लोग घायल, 12 से ज्यादा गांव प्रभावित, 50 घर पूरी तरह से तबाह। ईरानी महिलाओं के समर्थन में आए यूरोपीय संघ के सांसद अबीर अल सहलानी ने संसद से काटे। मेलिस्को के सिटी हॉल में फायरिंग, बदमाशों ने मेयर समेत 18 लोगों को गोली मारकर हत्या की, सेना तैनात। ताइवान में चीन से निपटने की तैयारी, अमेरिका वेपन्स डिपो बनाने में जुटा, मिलिट्री ड्रिल से नजर आई हर खामी दुरुस्त करेगा। केमिस्ट्री का नोबेल, 3 वैज्ञानिक को, इनमें से एक महिला, दूसरे को 21 साल बाद फिर पुरस्कार, आज लिटरेचर कैटेगरी का ऐलान। यूक्रेन ने रूसी सेना को खदेड़कर कई नए क्षेत्रों में वापस किया कब्जा, जेलेंस्की बोले जंग जारी रहेगी। उत्तर कोरिया ने पूर्वी जल क्षेत्र की ओर फिर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें, बीते 2 हफ्तों में 6ठा प्रशिक्षण। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ता देश, 84% डिजिटल पेमेंट यूपीआई के जरिए, बड़े पेमेंट क्रेडिट और डेबिट कार्ड से। इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार, 100 केजी वजन के साथ उड़ सकेगा, जल्द नेवी में शामिल होगा। दशहरे पर जियो का 5G ट्रायल, दिल्ली मुंबई समेत 4 शहरों में लॉन्च की सर्विस। ट्विटर डील पर मस्क का यू टर्न, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीदने को तैयार मस्क। होंडा की सीबी 750 हॉर्नेट हुआ लॉन्च, 6 स्पीड गियरबॉक्स वाली स्पोर्ट्स बाइक देगी 23 KMPL का माइलेज। शाओमी 12T और 12T हुआ लॉन्च, i20W के चार्जर में 18 मिनट में फुल चार्ज होंगे दोनों मोबाइल। बैंकों का कर्ज 15% से ज्यादा बढ़ने की उम्मीद, शेयर बाजारों को स्थायी आंकड़ों की दी जानकारी। एप्पल की चीन को झटका देने की तैयारी, एयरपॉड्स बीट्स हेडफोन भारत में बनेंगे, 5 माह में रिकॉर्ड कारोबार। विप्रो ने कहा हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आना होगा, पिछले महीने कंपनी कर चुकी है छटनी। रुपया फिर रिकॉर्ड निचले स्तर पर, बंद अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 80 के पार पहुंचा। कॉर्नवॉल ने जमाई T20 की पहली डबल सेंचुरी, 22 छक्कों सहित 205 रन बनाए, 3 साल पहले तक 140 केजी के थे रहकीम। संजू सैमसन बने केरल टीम के कप्तान, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी संभालेंगे कमान।
बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की पत्नी को हुआ चिकनगुनिया, कोलकाता के अस्पताल में भर्ती। क्रिकेटर संदीप लामिछाने काठमांडू एयरपोर्ट से गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म का है आरोप। भारत के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे फिर बने पिता, बेटी आर्या के जन्मदिन पर हुआ बेटे का जन्म। गंभीर के इंडिया कैपिटल्स ने जीती लेजेंड्स क्रिकेट लीग फाइनल में, बुरी तरह हारे पठान के किंग्स, रॉस टेलर ने खोली धुआंधार बारी। नंबर वन बनने से चूके सूर्य कुमार यादव, आईसीसी टी20 बैटिंग रैंकिंग में रिजवान टॉप पर बरकरार, रोहित कोहली फिसले। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा, आईसीसी ने जारी की लिस्ट, हरमनप्रीत कौर और अक्षर पटेल हुए नॉमिनेट। शमी को हो सकते हैं टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल, द्रविड़ बोले हमें ऐसे खिलाड़ी की तलाश जिसे ऑस्ट्रेलियाई पिच का अनुभव हो। विमेंस अंडर 17 फीफा अवार्ड कप के भारतीय टीम घोषित, भारत का पहला मुकाबला 11 अक्टूबर को अमेरिका से। लाल सिंह चड्ढा ओटीटी पर हुआ रिलीज, महज 2 महीने के अंदर नेटफ्लिक्स पर हुई रिलीज, फैंस को मिला सरप्राइज। चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर हुई ऑनलाइन लीक, 5 अक्टूबर को रिलीज हुई है फिल्म। तमिल एक्टर लोकेश ने किया सुसाइड, तलाक की वजह से डिप्रेशन से जूझ रहे थे, बस स्टैंड पर ही सोते थे। हार्ट अटैक की खबरों पर बोले उदित नारायण के मैनेजर, खबरों को ठहराया झूठा, कहा अफवाह से खुद भी परेशान है सिंगर। झलक दिखला जा 10 में पहुंचे किली पॉल, चने के खेत में सॉन्ग पर माधुरी दीक्षित के साथ किया डांस। फीफा 2022 वर्ल्ड कप में परफॉर्म करेंगी नौरा फतेही, इससे पहले जेनिफर लोपेज और शकीरा भी कर चुकी हैं डांस। एक्ट्रेस मंदाना करीमी ने बॉलीवुड छोड़ने का किया ऐलान, बिग बॉस में साजिद की एंट्री पर लिया फैसला। कॉमेडियन पराग कंसारा का निधन, सुनील पॉल ने दी दुखद खबर। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या ने लोगों को परोसा प्रसाद, पंडाल में किया जमकर डांस, फैंस को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। आर्यन खान ने अनन्या पांडे को किया इग्नोर, फैंस ने उड़ाया मजाक, बोले गजब बेइज्जती है। शतक में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ